हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। जीके एमसीक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। आज का टेस्ट नंबर रहेगा 870। और इससे पहले के जितने भी टेस्ट हैं, अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं, सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सअप करिए। प्रीवियस सॉल्व पेपर भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर, एमसीक्यूज, नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करके मिल जाएगा। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन, एसएससी, क्लर्क, वेटनरी, जेआईटी या फिर हिमाचल का कोई भी एग्जाम, व्हाट्सअप कर लेना। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं सरकारी, गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा। कुल्लू घाटी के मणिकरण को किस देवता से जोड़ा जाता है? 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं क्योंकि आपको ये सोचने होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिव। कुल्लू घाटी के मणिकरण को शिव देवता से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा में है। फ्रेंड्स, आपको खुद ये क्वेश्चन सोचने हैं क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है। ये मॉक टेस्ट उसलिए होते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने आप को चेकआउट कर सकें। यूनाम सी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, बताइए, सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का है? टॉपिक भी देख लीजिए कहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनाली घाटी में हिडिंबा। आपको ये क्लियर ही होगा। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, कोर्सेज अवेलेबल हैं हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए, लाइनमैन, एसएससी, क्लर्क, वेटनरी, जेआईटी या फिर हिमाचल का कोई भी एग्जाम। प्रीवियस सॉल्व पेपर के साथ साथ नोट्स, एमसीक्यू, सब कुछ ये अवेलेबल हो जाएगा। मॉडल टेस्ट पेपर के साथ ग्राफ टेस्ट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे, जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज रीड करोगे, टॉपिक और सब टॉपिक्स हाईलाइटेड प्रीवियस विद ऑथेंटिक पैटर्न के साथ अगर आप चलेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम आपका निकल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर लेना। हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 1968। सी, बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1954। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 12 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली बनेर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। टॉपिक भी देखिए, सब टॉपिक भी देखिए, क्योंकि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, कितना मेगावाट है, अगर किसी कंट्री के साथ इसका सहयोग है तो कितना सेंक्शन हुआ है बजट में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1951-52 ईस्वी में गठित पहली हिमाचल विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? सिर्फ 2। 1951 और 52 की जब भी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1968 में हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा एकेडमी की स्थापना हुई। दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे तो सभी लाइक करें, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत है और जिनका भरोसा है सरकारी सीट मिलेगी इस बार, वो भी लाइक करें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? लाहौल स्पीति से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर चयनित हुआ था? पहले, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में, देखिए मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है इस तरह का। ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। अगर आपने सोचा सही हुआ तो वेल डन। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्जी। आई होप आपके आंसर सही हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, फुल मॉक पेपर क्लर्क के लिए अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। और लाइनमैन, एसएससी, वेटनरी, जेआईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मॉक पेपर हैं, व्हाट्सएप आप कर लेना टाइमली। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट पार्ट के लेखक कौन है?
बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेपीएच वॉगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व बैंक की सहायता से हिमाचल प्रदेश में निर्मित 1500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व बैंक की सहायता से। ये भी देखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाथपा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सोवियत संघ रूस की सहायता से निर्मित 800 मेगावाट की कोल बांध, जो कि सतलुज नदी पर निर्मित है, परियोजना किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को आता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर। क्लियर, लेकिन क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ मॉडिफाइड था। सोवियत संघ रूस की सहायता से निर्मित था यह, ठीक है, 800 मेगावाट की कोल बांध है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इन सब चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉन एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इज नॉट गैस, इज नॉट, ठीक है, बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, CFC। ठीक है, सभी को क्लियर होगा। भारी पानी है, हैवी वाटर इज, क्वेश्चंस पूछा गया। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब देखिए, जितना भी जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है, डेली साइंस का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये हाइलाइटेड और प्रीवियस बेस्ड ज़्यादा बनते हैं। टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास कलेक्शंस नहीं है, ठीक है, मतलब ऑथेंटिक पैटर्न के, हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब अगर आप वो रीड करते हैं, क्वेश्चंस जहां मर्जी से हो आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी को भी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास खुलासे के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक लड़ते हुए मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट रिवॉल्व नियर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आगरा। याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सअप करिए और ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, नोट्स हैं, ये सब कुछ ले लीजिए और पढ़िए वही जो इंपॉर्टेंट है। शेख अहमद सरहिंदी को किसके द्वारा कैद किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। और ये क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ और बाद में आपके एग्जाम में पूछा गया। किस मराठा नेता को नाना साहब के नाम से अधिक जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक भी देख लीजिए, बी बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरी सरकार को कब समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, डी 1772। सिंधु घाटी के लोग पूजते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी टॉपिक हमेशा ही पूछा जाता है लेकिन हमेशा ही मॉडिफाइड होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मदर गोडेस। ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए, मदर गोडेस। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सवाना। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, टॉपिक भी देखते रहिए। ठीक है, और ये 25 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। भारत के प्रथम उप मंत्री कौन थे? डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, इससे पिछले जितने भी टेस्ट हैं, मॉक पेपर लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए, प्रीवियस पेपर लेने के लिए, ठीक है, और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लेने के लिए, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेने के लिए, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप करिए, और नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए और सारी चीज़ें आप लीजिए। ठीक है, और पढ़िए वही जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस स्टाफ के अंडर प्रिपरेशन करिए, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है,
सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो पीछे मत रहिए और आप भी अपने लेवल को थोड़ा सा हाई करिए, ठीक है। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।